हम लोगों में किस तरह से संबंध होता है पति पत्नी का सुनिएगा। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, सुन लेंगे ना आप लोग, तालियां बजा दीजिए। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे तीन बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है अगले साल आएंगे। तालियां बजानी तो मिलकर बजा दीजिए। अकेली कवित्री हूँ मंच पर, इतने सारे कवियों को मैंने भी सुन लिया, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, आगे भी बढ़ती है। रेखा जी कहानी कैसे आगे बढ़ती है सुनिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर कच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहाँ कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम है। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं। इस रामलीला के मंच से एक बात कहना चाहती हूँ, सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, मोहब्बत ये नहीं करते ये टाइम पास करते हैं। लेकिन लड़कियां भी भूली नहीं रही हैं, लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। और कैसे होशियार हो गई हैं बताती हूँ सुनिए। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। और बात सही लगे तो एक एक श्रोता का मैं समर्थन चाहूंगी। इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक कम उम्र की लड़की ने बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा, तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई तो ताली बजा दीजिए एक बार। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, फंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया सुशील जी, जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत, ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर किसी ने चालान नहीं काटना शुरू नहीं किया। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। वाह वाह।